बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कीमती वज़ाइफ चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में अल्लाह ताला के सिफाती नाम या मुकद्दिमों के वज़ाइफ और इसकी फजीलत के बारे में बात करेंगे। इस इसम की बदौलत आप दुश्मन और मुकदमा में कैसे कामयाब हो सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताएँगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले, जो लोग हमारी वीडियो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आइंदा भी उनको ऐसी वीडियोस मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला का सिफाती नाम या मुकद्दिमू, जिसका मतलब है पहले और आगे करने वाला, जिसको चाहे वो आगे कर दे और जिसको अल्लाह ताला चाहे उसको पीछे कर दे। इस इसम का वजीफा नंबर एक ये है कि जो कोई भी इस इसम को कसरत के साथ पढ़ने का मामूल बना लेगा तो वो अल्लाह ताला का मती और फरमा बरदार बन जाएगा। और इसका वजीफा नंबर दो ये है कि अगर दौराने जंग या कोई लड़ाई या कोई भी मुकाबला चल रहा हो या अगर कोई मुकदमा चल रहा हो तो मुकदमा पर जाने से पहले 184 मरतबा अल्लाह ताला का ये नाम या मुकद्दिमू अव्वल व आखिर 5-5 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लें। और मुकाबले के दरमियान या मुकदमा के दरमियान अगर मुकदमे का फैसला हो रहा है तो उस मुकदमे के दौरान आप या मुकद्दिम कसरत के साथ पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह यकीनी फतह हासिल होगी और फैसला भी आपके हक में होगा। यानी कि अल्लाह ताला के इस नाम में इतनी तासीर है कि आप किसी भी मैदान जंग में या कोई भी लड़ाई है या कोई भी मुकदमा चल रहा है आप उसके दौरान इस इसम का विर्द करते रहें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, बहुत ही आसान वजीफ़ा था। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू वजीफ़ा के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।